दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रहे होते हैं या फिर कोई हेवी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो आपकी रैम पड़ जाती है कम और सिस्टम हो जाता है स्लो। ऐसे में आप अपने पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड को बना सकते हैं, आपकी रैम और आपका सिस्टम वापस से चलेगा एकदम रपचिक। रपचिक ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? हिंदी। तो ये बहुत ही आसान है, आप अपने पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड को आपके कंप्यूटर लैपटॉप की रैम बना दीजिए। इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे आपको इस सेटिंग करने में। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों मैं ओम धाकड़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओम टेक टिप्स। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सभी के पास नहीं पहुंच रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए कि आपने बेल आइकॉन प्रेस करा हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर जाइए, 3-4 वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे आप अपने पेन ड्राइव को सिस्टम के रैम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे कंप्यूटर में जाता हूँ, जिस पीसी में मैं जिस पीसी में गया यहाँ पे, और ये मेरी पेन ड्राइव है। तो मैं पहले सबसे पहले इसको फॉर्मेट कर लूँ। आपका कुछ डेटा वगैरह हो तो आप उसका बैकअप लेके आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर ले पहले, ताकि अच्छे से काम करें यहाँ पे। और ये फॉर्मेट हो गई, कंप्लीट डन। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत आसान है, एक ही स्टेप है, बस राइट क्लिक कर जाना है प्रॉपर्टी में और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है रेडी बूस्ट। ओह कुछ बोल रहा है, अच्छा प्लीज़ वेट वाइल रेडी बूस्ट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग रिट्राइव्ड फॉर द डिवाइस। ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो। ये सारे फीचर यहाँ पे दिख गए। तो आपके यहाँ पे अगर मान लो कुछ एरर आता है, बोलता है कि ये रेडी बूस्ट फीचर आपके डिवाइस ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी एरर मिलता है आपको, तो टेंशन नहीं लेना, आपको जाना है सर्विसेज में। इसकी एक सर्विस होती है वो बंद होगी इसलिए आ रहा होगा वो मैसेज, अपने इसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अगर आता है तो आप सर्विसेज में जाना और आप सर्च करना है सरफेज और देख लेना वो रनिंग है कि नहीं। मेरे इसमें रनिंग है और ऑटोमेटिक है, आपके इसमें रनिंग नहीं हो तो उसको देख लेना, डबल क्लिक करना है इस पर तो ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप जाके स्टार्ट कर देना अगर स्टॉप है तो, और यहाँ से मोड ऑटोमेटिक ले लेना ताकि वो हमेशा ही स्टार्ट रहे। अब मैं यहाँ आता हूँ मेरे पेन ड्राइव की प्रॉपर्टी में, और अगर आप मेरे पास 32 GB की पेन ड्राइव है, लेकिन ये समथिंग बता रहा है मेरे को 28 GB बता रहा है, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ पूरी यूज़ करना तो इसको पूरा ही रख के मैं अप्लाई कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को 10 GB इसमें से यूज़ करना है, 10 GB रैम, बाकी डेट में मैं अपना डेटा रखूँ, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली इंटर कर देता हूँ भले 10 10, ये अब 10 GB होगा, ठीक है। अब मैं अप्लाई कर दूँगा, अभी मेरे पेन ड्राइव 10 GB तक भर गई है क्योंकि वो जो रैम यूज़ में आने लग गई है, तो मैं बाकी पेन ड्राइव में जो 18 GB समथिंग है उसमें डेटा रख सकता हूँ। अगर आप चाहते कि नहीं मेरे को पूरी पेन ड्राइव का डेटा है, मेरे को जो रैम यूज़ करना है उसको पूरा सेलेक्ट कर लो और ओके। अब मेरी पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं रख सकता हूँ, ये पूरी भर गई है। हाँ अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखने जाओगे तो जितनी रैम आपकी है उतनी ही रैम है अभी भी, वो बड़ी नहीं, वहाँ पे आप नहीं देख सकते कि रैम बढ़ गई, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, ये कोई फेक नहीं है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट खुद ही रिकमेंड करता है। आप देख सकते हैं इसके राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टी में गया तो ये ऑप्शन मेरे को मिला है, अपने कोई भी इसके लिए अलग से कुछ एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं करी है। यहाँ लिखा है स्पीड अप योर सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस ऑन दिस डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट खुद रिकमेंड कर रहा है कि यूज़ कर लो इसको। ये जो अपन ने पेन ड्राइव को रैम बनाया ये बिल्कुल रैम की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा स्लो होता है, ये रैम जितनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा लेकिन आपका काम अच्छे से निकाल देगा। इसको माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है, आप यूज कर सकते हैं। अगर ये पूरी तरीके से रैम का काम करे तो कौन खरीदेगा 25-30 हज़ार की 32 GB की रैम, 600-700 रुपए की पेन ड्राइव खरीद के वो उसी से काम चला लेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपके सिस्टम की स्पीड जरूर बढ़ेगी। थैंक यू एंड बाय बाय।